पता है क्या, नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, ठीक है, कोई भी दो मिरर है, तीन मिरर है, या उनके बीच में कुछ एंगल मेंशनड है, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस अपन कैसे करते हैं ये डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए बेटे, नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने का पहले तो मैं आपको मेथड बताऊंगा, यानी कि डिफरेंट केसेस में अपन इसको डील करेंगे, ठीक। देखो, तो मान लेते हैं कि कोई भी दो मिरर है बेटे, ये मिरर नंबर वन, ठीक, और दूसरा मिरर है ये मिरर नंबर टू, और इनमें जो एंगल है बेटे दोनों में वो है क्या, थीटा, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहां पे रखा हुआ है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट। तो देखो बेटे, नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म्ड होती है वो डिपेंड करती है कि इन दोनों का के बीच का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, प्लस इस ऑब्जेक्ट की दोनों मिरर के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या है, ठीक है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है इस बात पे डिपेंड करता है। ये ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर है तो अलग बात होगी, बाइसेक्टर पर नहीं है तो डिफरेंट बात होगी, ठीक है ना, और दूसरा ये एंगल थीटा पर डिपेंड करती है नंबर ऑफ इमेजेस। तो उसका एक आइडिया तो मैं आपको दे दूंगा कि इमेज बनती कैसे है, ठीक है ना, लेकिन हमें यहाँ पर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल के फॉर्म में अपने को सॉल्व करना रहेगा। तो देखो बेटे, यहाँ पर अपन तीन केस में बात कर रहे हैं। केस नंबर वन, अभी कैसे बनती है अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस में समझाऊंगा विषय ड्रॉ करके, लेकिन पहले हम देखते हैं केस नंबर वन। सबसे पहले बेटे, अगर हमारे पास थीटा है, यहाँ पर अगर ये वैल्यू थीटा है हमारे पास दोनों के बीच में, तो अगर सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ एन, ये फैक्टर अपन कैलकुलेट करेंगे 360 अपॉन थीटा से एन मान लिया। अब बच्चों, ये अगर इवन आता है, ये क्या है, इवन आता है, अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू अगर इवन आती है बेटे, तो जो नंबर ऑफ इमेज होगी वो होगी बेटे क्या, नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी बच्चों वो होंगी क्या, n माइनस वन, चाहे वो बाइसेक्टर पर हो चाहे ना हो, यानी कि बेटे अगर ये ऑब्जेक्ट अगर 360 अपॉन थीटा इवन आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर बाइसेक्टर पर है, ये ऑब्जेक्ट अगर बाइसेक्टर पर है तब भी नंबर ऑफ इमेजेस n माइनस वन होंगी, और अगर ये बाइसेक्टर पर नहीं है तब भी क्या होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे होता, ठीक है, इस जगह पर होता, तब भी नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो n माइनस वन ही होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, केस नंबर वन क्या हमने डिस्कस किया बेटे, कि कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर अपन 360 अपन थीटा निकाले, अगर ये इवन आ रहा है तो n माइनस वन इमेज होंगी, चाहे वो बाइसेक्टर पर हो चाहे वो बाइसेक्टर पर ना हो, दोनों केसेस में नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो क्या होंगी, सेम होंगी और इक्वल टू व्हाट, एन माइनस वन, ठीक। ये था केस नंबर वन, ठीक है, ड्रॉ करना मैं आपको सिखाऊंगा अभी 10 मिनट बाद। केस नंबर टू के साथ डील करें बेटे, केस नंबर टू मैं यहां पे लिख लेता हूं ना, केस नंबर, देखिए बच्चों, केस नंबर टू क्या कहता है कि अगर 360 अपॉन थीटा ऑड अदर, अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू अगर ऑड आ जाती है, इसको मान लेते हैं से एन, ठीक, तो यहां पर दो कंडीशन बनती है बेटे, अगर ये ऑड आ गया 360 अपॉन थीटा की वैल्यू, ठीक, अगर ये ऑब्जेक्ट बच्चों बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, अगर ये ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे रखा हुआ है बिल्कुल बीच में, तो नंबर ऑफ इमेज जो होंगी बेटे इस केस में वो n माइनस वन होगी, कितनी होंगी, n माइनस वन, बाइसेक्टर पर रखा हुआ है, और अगर बाइसेक्टर पे नहीं है, अगर ये ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे नहीं है कहीं और रखा हुआ है बच्चों, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, नॉट ऑन बाइसेक्टर,
तो नंबर ऑफ इमेज जो है वो एन बने। ठीक है, तो ये देखो चार बातें अपने को ध्यान रखनी है अभी फिलहाल। केस सेकंड, इसमें भी दो चीजें आ रही कि अगर इवन है तो दोनों केस में एन माइनस वन, ऑड है तो बाइसेक्टर पे एन माइनस वन, और ऑड बाइसेक्टर पे नहीं है तो क्या होगा एन। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड केस। तो यानी कि पहले तो अपने को सबसे पहले 360 अपॉन थीटा को देखना है, इवन आ रहा है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा, ऑड आ रहा है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। ठीक, अब बेटे इसका केस नंबर थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे, केस नंबर थर्ड डील करते हैं। अब जो ये एंगल है बेटे, ये 360 अपॉन थीटा की जो वैल्यू निकाल रहा है, ये ऑड आई है इवन आई, तो इन दोनों से काम चल जाएगा। मान लीजिए अगर ये वैल्यू 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा नॉट इक्वल टू इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, मान इंटीजर होगा तो इससे काम चल जाएगा, अगर इंटीजर नहीं है तो इसके लिए फिर अपने को स्पेसिफिक तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्या मेथड है इसका समझाता हूँ मैं। मान लेते हैं बच्चों कि ये दो मिरर हैं बेटे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो बाइसेक्टर पे नहीं है, तो हम एक जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं। मान लेते हैं बेटे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये मिरर नंबर वन बोल दिया बेटे और ये मिरर नंबर टू बोल दिया। ठीक, ये वाला जो एंगल है बच्चों वो है अल्फा, और ये वाला जो एंगल है बेटे वो है बीटा। ठीक है, और इन दोनों का जो सम है या जो टोटल एंगल है वो मान लिया हमने थीटा। ये वाला एंगल मैंने माना अल्फा, ये माना बीटा और ये माना थीटा। कैसे यूज करते हैं एग्जांपल्स इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले समझ लीजिए एक बार। तो देखो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहां कहां पे बनेगी। सबसे पहले ये जो एंगल है छोटा वाला एंगल है यहाँ पर लिख लेते हैं, पहली इमेज इस तरह यहाँ पे इतने एंगल पे बनेगी। दूसरे मिरर के लिए बेटे मान लिया हमने ये बीटा, फॉर सेकेंड मिरर बीटा पे बनेगी। तो देखो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए बच्चों इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो नेक्स्ट इमेज की जो पोजीशन आएगी बेटे वो अल्फा प्लस थीटा पे आएगी, और दूसरे वाले मिरर के हिसाब से कितने पे आएगी बेटे, अल्फा बीटा प्लस थीटा पे आएगी। ऐसे अपन अप्रोच करेंगे, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ पर छोटा वाला एंगल लिख लिया, यहाँ बड़ा वाला एंगल लिख लिया, इन दोनों के बीच का एंगल, ये नॉट दिस इज द एंगल, ये सम ऑफ एंगल है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें ऐड करते हुए चलते हैं दूसरे मिरर के लिए। इसमें मान लीजिए नेक्स्ट के चांसेस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीटा प्लस टू थीटा, और यहाँ पे हम लिख लेंगे अल्फा प्लस टू थीटा। अगले साइकिल में चले नेक्स्ट साइकिल के लिए, ये आ जाएगा बेटे अल्फा प्लस थ्री थीटा, और ये आ जाएगा बीटा प्लस थ्री थीटा। इस तरह से अपन चलते चलेंगे, जब तक चलते चलेंगे बेटे जब तक ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये 180 डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा ना हो जाए। यानी कि अगर ये वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है या उससे ज्यादा तो वहीं पर ही हम रोक देंगे इसको। मतलब ये जो सीक्वेंस है कैसे बढ़ानी है कि जब तक एंगल, यानी कि ये जो वैल्यू है बेटे ये पूरे कंप्लीट फैक्टर की वैल्यू 180 डिग्री और ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये जो फैक्टर है इधर वाला या इधर वाला, अगर ये 180 डिग्री भी आ रहा होगा तब भी इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन 180 डिग्री आ रहा होगा तब भी नहीं लिखेंगे, और वहां पर ही हम स्टॉप कर देंगे दोनों के लिए। मतलब इनको अपने को तब तक सीक्वेंस मेंटेन करना है जब तक कि एंगल 180 डिग्री मान लो आ रहा है, बीटा प्लस थ्री थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता तो फिर अपन इसको इमेज काउंट नहीं करेंगे, ज्यादा होता तब भी नहीं करेंगे, यहीं पर ही रोक देंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये 180 डिग्री हो रहा होता या उससे ज्यादा हो रहा होता इस टर्म को अपन नहीं लिखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद जो नंबर ऑफ इमेजेस है ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करनी है। वो अभी मैं एक इलस्ट्रेशन दूंगा ना आपको तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें क्या करना है, एक एंगल लिखते हुए इसमें एंगल को ऐड करते चलना है। ये मेथड है, ट्रिक्स है, ड्रॉ करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा, इसके एग्जांपल्स भी सिखाऊंगा अभी बहुत सारे। तो ये वाले मेथड को अपने को अप्रोच करना है।
जो इधर काउंटिंग आएगी उसको अपन नंबर ऑफ इमेजेस मानेंगे. जैसे मान लेते हैं ये भी लेस देन 180 डिग्री है, ये भी लेस देन 180 डिग्री है, ये मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है. तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इमेज आ गई. अब इसमें एक और टेक्निकली पॉइंट क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि n होगी या नंबर n माइनस 1 होगी. जैसे अपन ने ये क्या काउंट कर लिया, ये पूरे को काउंट कर लिया, ये अभी फिलहाल 8 आ गए जैसे. तो हम क्या करेंगे बेटे, लास्ट में चेक करना है कि नंबर ऑफ इमेजेस भी, दो टोटल जो नंबर ऑफ इमेजेस आई, ये वाले नंबर काउंट कर लिए हमने, ये नंबर काउंट कर लिए, इसे 8 आए. अब दो चांस बनते हैं यहाँ पर, 8 भी हो सकता है आंसर, एक 7 भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर. हम क्या करेंगे बेटे, ये मान लेते हैं थीटा है बेटे, हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल और इन तीनों का सम करेंगे. एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि तीन पर ही जाके एंड हो जाएगा, हो सकता है दो पर ही जाके हो जाए, हो सकता है एक पर ही जाके हो जाए. हम इन तीनों का सम करेंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल. अगर ये तीनों का सम, बात समझ में आई, ये तीनों का सम अगर एग्जैक्टली 360 डिग्री आ गया, लास्ट वाले तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे, ये तो क्या इनिशियल एंगल बिटवीन द टू मिरर, ये लास्ट में जो फैक्टर बचा वो, और लास्ट में ये बचा ही है, ये 180 डिग्री से हमेशा कम होंगे ये वाले पार्ट. अगर ये तीनों एंगल 360 डिग्री से कम आता है, इन तीनों का सम या 360 के इक्वल नहीं आता, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस ये जो काउंट करी है इतनी होगी, से एन से लिख देता हूँ इसको, कैपिटल एन से, ये सारे नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगे, मतलब इस एग्जांपल में पर्टिकुलर 8 आ गए. कब, जब, कब है बेटा, ये केस लिख देता हूँ मैं, देखो ना, बीटा प्लस 3 थीटा प्लस थीटा प्लस अल्फा प्लस 3 थीटा, ये नॉट इक्वल टू 360 डिग्री आया. ये ऐसा नहीं यहां पर ही एंडिंग होगी, ये आगे तक जाएगा, है ना. अगर ये नॉट इक्वल टू 360 डिग्री आ रहा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस एन हो जाएंगी. एन क्या है यहां पे इस एग्जांपल में, 8 न्यूमेरिकल कराऊंगा, 4-5 इसके. अगर यही वाले एंगल को हम सम करें, बीटा प्लस 3 थीटा प्लस थीटा प्लस अल्फा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी एन माइनस 1. इस केस में जाएंगे 8 माइनस 1 मतलब 7. तो इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे. अभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं कुछ एग्जांपल कराऊंगा ना, तो अभी आपने को इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. हमने मान लिया ये अल्फा बीटा एंगल लिखना है, पहली इमेज इतने एंगल पर, दूसरी इतने पर, इसके बाद ये दोनों का एंगल जो है, ये ट्रिक है बेटा, है ना, सिंपल ट्रिक है, क्योंकि ड्रॉ जब करते हैं तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही आएगा, इसी तरह से आएगा. ड्रॉ करना इज नॉट ए ईजी जॉब, ये अगर अपन ड्रॉ करने लग गए तो एक ही क्वेश्चन हो सकता है 10 मिनट भी लग जाए अपने को. तो इसमें ऐड किया या या, तो ये पोजीशन, इसको जहां तक लेके चलेंगे जब तक ये 180 डिग्री है उससे, मतलब 180 डिग्री से कम रहना चाहिए ये वाला पार्ट. 180 डिग्री के बराबर भी हुआ तो फिर इसको नहीं लिखेंगे. इसमें भी सेम चीज है, 180 डिग्री से कम तक अपन लेके चलेंगे इसको. इसके बाद क्या करना है, ये काउंट कर लिया पूरा. अब चांसेस बनते हैं एन या एन माइनस 1, तो इन तीनों लास्ट वाले एंगल को ऐड करेंगे. अगर ये 360 डिग्री आ रहा है तो एन माइनस 1, नहीं आ रहे तो हाउ टू ऑपरेट दिस फॉर्मूला, I will discuss lot of question related to this.